सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 3 बेस्ट रेडमी 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 10,000 रहने वाले। हाँ दोस्तों, 10,000 के अंदर भी आप 5G स्मार्टफोन को बाय कर सकते। तो दोस्तों, आपको अगर रेडमी की डिवाइस पसंद है तो इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे ही रेडमी की 5G स्मार्टफोन को चूज किया है जो मिलता है सिर्फ 15,000 के अंदर। तो दोस्तों, डिवाइस कौन कौन सा है, फीचर क्या क्या मिलेगा, प्राइस कितना है, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट की सबसे पहले डिवाइस आता है 10,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन जो रेडमी की न्यूली लॉन्च डिवाइस है। तो आप अगर बजट में 10,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। प्राइस के हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों, ये डिवाइस है रेडमी की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस रेडमी 13C 5G, जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो एक एक इसके सभी फीचर को जान लेते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट विद 450 नीट पीक ब्राइटनेस। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको काफी अच्छी कैमरा भी मिलने वाले। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों, वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 12 5G सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस डिवाइस पे आप दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 128GB प्लस 4GB, 128GB प्लस 6GB और 256GB प्लस 8GB। उसके साथ साथ जो वर्चुअल रैम के सपोर्ट है वो भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप आपके रैम को मल्टीपल कर सकते हो। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको Android 13 और MIUI 14 रन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और वहीं पे दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB, उसकी प्राइस 11,000 है। और यहाँ पे कोई भी सेल आता है तो 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम 10, तो इसकी प्राइस अंडर 10,000 तक आ जाता है। और नॉर्मल टाइप पे इसकी प्राइस 11,000 रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जरूर ले सकते हो, काफी अच्छा सा एक डिवाइस। तो दोस्तों, इसलिए इसके नेक्स्ट डिवाइस आता है Redmi की तरफ से Redmi 12 5G। तो दोस्तों, ये जो डिवाइस है जब लॉन्च हुआ था तो काफी पॉपुलर गेन किया था इसके लुक एंड डिजाइन और इसकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से काफी प्रीमियम लुक और काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके जान लेते हैं। तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, जिसकी मदद से इमोबल काफी प्रीमियम इन हैंड फील देगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विद 550 नीट पीक ब्राइटनेस। वहीं पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Snapdragon 4 Gen 2 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है, जिसके Antutu स्कोर 4 लाख के आसपास है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस डिवाइस पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB रैम, 128GB रोम मिलेगा बेस ब्रांड पे। बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का है। उसके साथ साथ आपको 2MP का एक डेप्थ कैमरा मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, इस डिवाइस में आपको IP53 का रेटिंग मिल जाएगा, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों, ये डिवाइस Android 13 MIUI 14 पे रन होगा। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 12,000 है। उसके साथ साथ जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 13,500 है। और जो 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बात करें सेल की, तो अगर बड़ा सेल होता है तो जो रेडमी 12 5G की बेस ब्रांड है
उसकी प्राइस 10,000 के आसपास आ जाता है। नॉर्मल टाइप में आपको 500 to 1,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अंडर 12,000 में आप अगर बेस्ट प्रीमियम एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप जरूर जा सकते हो Redmi 12 5G के साथ। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस और फीचर भी काफी तगड़े मिल जाता है। तो दोस्तों इस लिस्ट की नेक्स्ट डिवाइस है Redmi की Redmi Note 12 5G। डिवाइस थोड़ा सा पुराना है पर प्राइस की सबसे काफी तगड़े तगड़े फीचर इस डिवाइस पे आपको मिल जाते हैं। वहीं पे आपको सेल पे काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है। तो दोस्तों आप अगर कम बजट पे एक अच्छे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस ढूंढ रहे हो तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। प्राइस के हिसाब से फीचर काफी अच्छा है। तो क्या कुछ मिलता है एक एक करके सब कुछ जान लेते हैं। जी आप आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट। तो कंटेंट कंज्यूम के लिए ये डिवाइस काफी तगड़ी होने वाले है। वहीं पे आपको मिलने वाले 1200 नीट पीक ब्राइटनेस। तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो गेमिंग में ये आपको काफी फायदे देने वाला है। और दोस्तों इसकी बात मेरा पर्सनल जो फेवरेट चीज है इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट जो आपकी 6nm पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। और दोस्तों इसकी जो एंटूसो स्कोर है ना वो 6 लाख के आसपास है। तो इस प्राइस पॉइंट में इतना पावरफुल डिवाइस मुझे नहीं लगता अदर कोई भी डिवाइस में है। तो इस मोबाइल पे आप कोई भी टाइप की गेम को एकदम हाई लेवल पे खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट भी मिल जाते हैं। तो प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी आप इसे कह सकते हो। तो आप अगर ढूंढ रहे अंडर 15,000 में 5G एक गेमिंग डिवाइस तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों बात करो रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा। जब बेस वेरिएंट 4GB 128GB और दूसरे आपको 8GB+256GB वेरिएंट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद इसकी जो कैमरा है ना कैमरा भी काफी तगड़ी है। तो कैमरे के लिए भी आप अगर 15,000 में मोबाइल लेना चाहते हो ना तो भी इसे ले सकते हो। या आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जब मेन कैमरा 48MP का होने वाला है। उसके साथ साथ आपको 8MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और 2MP का एक मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13MP का फ्रंट कैमरा जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस मोबाइल पे आपको एक अच्छी चीज मिल जाता है IP53 का रेटिंग मिल जाता है जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का बैटरी उसके साथ साथ 33W के फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा इस डिवाइस पे। तो दोस्तों बात करें इसकी प्राइस तो इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास फ्लक्चुएट होता है। अभी इसकी 15,500 है पर यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 13,500 हो चुका है। इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल होने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते। तो दोस्तों ये था टॉप 3 बेस्ट Redmi 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000। तो दोस्तों बिना अच्छे से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्यूचर में ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए।